नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं अब केंद्र सरकार के द्वारा NPR को भी मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार के मनमाने फैसले को देखते हुए इसके साथ ही विपक्षी दल भी एकजुट हो रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिससे भाजपा की सरकार को मुख्यमंत्री ठाकरे ने एक बार फिर बड़ा झटका दिया है। भाजपा द्वारा बनाए गए नए नागरिकता संशोधन कानून और NRC के लागू हो जाने के बाद उसमें बाहर हुए लोगों को डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा और इसी आधार पर महाराष्ट्र में भाजपा ने डिटेंशन कैंप बनाने के लिए पहले से ही मंजूरी दे रखी थी, जिसे अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चकनाचूर कर दिया है। दरअसल CM उद्धव ठाकरे ने प्रदेश में डिटेंशन सेंटर नहीं बनाने की घोषणा की है। CM ने 23 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उन्हें आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा कैंप नहीं बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अवैध प्रवासियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की चर्चा महाराष्ट्र में चल रही थी। CM उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर रोक लगाते हुए मुस्लिम प्रतिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद फडणवीस सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए महाराष्ट्र में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जाएगा। इस समय जैसे देश के हालात बने हुए हैं, ऐसे में शिवसेना की सरकार मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने में जुट गई है और धीरे धीरे भाजपा के सभी मंसूबों को शिवसेना सरकार पूरा नहीं होने देगी। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC पर जारी विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां भी लामबंद होने लगी हैं। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 23 दिसंबर को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर शांतिपूर्ण विरोध किया। इस मौके पर पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। CAA और NRC पर देश की राजधानी दिल्ली समेत कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। उत्तर प्रदेश में इसके विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। प्रदेश के कई जिलों में उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी तक को नहीं बख्शा। सार्वजनिक और निजी वाहनों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस पर पथराव भी किया गया। वहीं दिल्ली के जामिया और जाफराबाद सीलमपुर इलाके में भी प्रदर्शन हुए। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।